हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 13 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम पढ़ने वाले हैं जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। जो मीन वैल्यू थ्योरम पहले हमने कोची मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी और लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी, अब उनके हम जनरलाइज फॉर्म पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम इस थ्योरम को और किस नाम से भी जानते हैं, टेलर थ्योरम विद लैग्रैंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। इस थ्योरम को इस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ फंक्शन एफ इज डिफाइंड इन ए एंड ए प्लस एच, यानी एक हमारे पास इंटरवल है ए एंड ए प्लस एच, जहां पे एच जो है ग्रेटर देन जीरो कुछ नंबर है, सच दैट इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एफ डैश एक्स, एफ डबल डेल एक्स, डबल डैश एक्स और एफ एन माइनस वन, एन माइनस टाइम डिफरेंशिएबल है इन ए एंड ए प्लस एच। एंड सेकेंड है हमारे पास एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स एंड एफ एन एक्स, यानी एन टाइम उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है यानी कि यहाँ पे सारे डेरिवेटिव एन माइनस टाइम तक ये कॉन्टिन्यूअस है ए एंड ए प्लस एच में, और डेरिवेटिव एन तक एग्जिस्ट कर रहे हैं ए एंड ए प्लस एच के बीच। Then there exists theta, तो उस कंडीशन में ये theta इस तरह से exist करेगा such that f a plus theta, theta की वैल्यू जो होगी 0 to 1, यानी कि हमारे पास जो पहले तो हम पढ़ रहे थे कि ये फंक्शन जो a और b के बीच में हम पढ़ रहे थे, बाकी हमने a plus b के बीच में एक पॉइंट माना था, क्योंकि theta जो है 0 to 1 है, तो a plus theta h है, h की वैल्यू भी कुछ जो h जैसे को h की वैल्यू 0.5 है, 0.5 है, थीटा की वैल्यू 0.1 है, तो थीटा एच की वैल्यू जो होगी एच से कम होगी थीटा एच, क्योंकि थीटा जो है 0 से 1 के बीच में, तो इस कंडीशन में हमारे पास ए प्लस थीटा एच जो है ये ए से तो बड़ा होगा एंड ए प्लस थीटा ए प्लस एच, ए प्लस एच से छोटा होगा। तो वही बात है हमारे पास, जैसे अगर हम ए प्लस बी इंटरवल की बात करें तो ए प्लस बी के बीच का एक पॉइंट इस तरह से मिल जाएगा हमें, सच दैट की जो कंडीशन है एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट चलते हुए एन टाइम तक एच एन टू एच की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एस एन माइनस वन टाइम विद रेस्पेक्ट टू ए एंड एच टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन एन एफ का एन टाइम डेरिवेटिव एट ए प्लस एन थीटा पे, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब हमें इसको देखना है कि इसको हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, तो अब इसको प्रूव करते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें एक फंक्शन माना, वो फंक्शन माना 5x, 5x फंक्शन, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसमें हमने जनरल मेथड पढ़ा था, उसमें भी जिस तरह फंक्शन माना इसी तरह इस फंक्शन को मान रहे हैं। 5x बराबर ये एफ ए सॉरी एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस डॉट डॉट चलते हुए लास्ट टर्म है वो हमारे पास प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स टू की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एंड एफ एन माइनस वन एक्स प्लस जो लास्ट टर्म है वो मानी हमने ए प्लस एक्स माइनस एच टू की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल ए। फिर से हम रोले थ्योरम की हेल्प लेंगे, जो रोले थ्योरम का जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में रोले थ्योरम पढ़ाई थी उसी रोले थ्योरम का हम लेंगे। रोले थ्योरम में पहले पढ़ा चुका हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में रोले थ्योरम का देख सकते हो, और रोले थ्योरम में हर थ्योरम के प्रूफ में मैं रोले थ्योरम का यूज ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी हम रोले थ्योरम का यूज लेंगे। फिर ये फंक्शन रोले थ्योरम के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट चेक करते हैं, फर्स्ट चेक करते हैं फंक्शन जो है डिफाइन होना चाहिए ए और बी में। सेकेंड हम चेक करते हैं फंक्शन जो होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस इन ए एंड बी। थर्ड हम चेक करते हैं डेरिवेटिव
होना चाहिए, डिफेंसिबल होना चाहिए इन ए और बी में, और फोर्थ चेक नहीं करते, फोर्थ जो होता है वो उसका रिजल्ट होता है, अगर ये इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है तो उसका रिजल्ट होता है कि वहां पे एक पॉइंट सी जो कि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पे सी बिलोंग्स टू ए टू बी। अब यहाँ पे अगर हम इंटरवल की बात करें तो यहाँ पे जो इंटरवल है, यहाँ पे इंटरवल है हमारे पास इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में इंटरवल हो जाता है, चेंज हो जाता है ए प्लस एच, और यहाँ से हो जाएगा ये ए प्लस एच, एंड यहाँ से ये भी ए प्लस एच, एंड ये भी ए प्लस एच, यानी ए प्लस एच जो ए और ए प्लस एच के जो इंटरवल है उसमें ये कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। पहले हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन डिफाइन है या नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स एफ जो हमारे पास जो कंटिन्यूटी डेफिनेशन थी स्टेटमेंट था उसमें एफ एक्स और सभी जो थे ये डिफाइन दिए थे ए ए प्लस एच में, क्योंकि ये डिफाइन था, ये डिफाइन था, एफ डैश एक्स डिफाइन था, तो ये भी इसी ये डिफाइन होगा ए ए प्लस एच में, और साथ में हमारे पास ये हुए थे कि जो एफ एक्स है एफ डैश एक्स है और लास्ट तक एफ एन माइनस वन तक, यहां तक ये सारे कॉन्टिन्यूस थे, तो ये कॉन्टिन्यूस थे फ्रेंड्स, तो ये कंटिन्यूस थे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास इनका दो फंक्शन का सम भी कॉन्टिन्यूस होता है, जिसको ये एक फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है ए एक्स, एंड बी एक्स सेकेंड फंक्शन है दोनों कॉन्टिन्यूस है, तो ए एक्स प्लस बी एक्स भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर ये एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और बी एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनका मल्टीप्लाई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए और ए प्लस एच के अंदर ये फंक्शन एफ एक्स ये कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूस दिया हुआ था, इसी तरह ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस दिया हुआ था, कॉन्टिन्यूस है सारे फंक्शन, और ये भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस है एफ एन माइनस वन। अब ये ए प्लस एक्स माइनस एच की पावर एन ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो फिर यहां से कहेंगे कि जो फंक्शन है वो फाइव एक्स जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है बाय गिवन कंडीशन, जो हमारे पास कंडीशन नंबर फर्स्ट थी उससे फाइव एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये हो गया। अब सेकंड देखना है भाई डिफरेंशिएबल है या नहीं, और डिफरेंशिएबल दिया हुआ था कि हमारे पास इसके एन टाइम डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे थे, तो ये मतलब फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा था, फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा था, सेकंड कर रहा था, एन टाइम एन माइनस वन भी एग्जिस्ट कर रहा था, और एन डेरिवेटिव जो हमने नहीं लिखा वो भी एग्जिस्ट कर रहा था। तो यहां से ये हो गया हमारे पास, क्योंकि सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनके डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं इन टर्म्स के, तो ये फंक्शन जो है थर्ड कंडीशन जो होती है सेकंड कंडीशन इसके लिए ये इंप्लाई करती है हमारे पास फाइव एक्स इज डिफरेंशिएबल बाय सेकंड कंडीशन, जो हमारे पास स्टेटमेंट में जो सेकंड कंडीशन थी उससे ये हमारे पास डिफरेंशिएबल हो गया पूरा फंक्शन। अब पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें सिर्फ इतना चाहिए कि फाई ए बराबर फाइव बी हो, तो फाई ए बराबर फाइव बी होने के लिए सपोज हम कह रहे हैं क्योंकि ये एक कॉन्स्टेंट है, तो हम कह रहे हैं कि फाई ए बराबर फाइव बी है, तो हमारे पास ये जो है एक ऐसा कॉन्स्टेंट हो जाएगा जो कि वेरिएबल होगा, यानी कोई इनफाइनाइट नहीं होगा, कुछ फिक्स वैल्यू होगी एफ ए की, तो वो हम वैल्यू निकालते हैं, अगर वो हम निकाल लेते हैं तो फिर उस वैल्यू को फाइव एक्स ए की जगह पुट करके हम कह देंगे कि फाइव ए बराबर फाइव बी कंडीशन भी सेटिस्फाई है। अब अगर हम यहां पे फाइव ए बराबर फाइव फाइव ए बराबर फाइव बी, यहाँ पे बी बराबर क्या है, इस जो गिवन क्वेश्चन थी बी बराबर क्या था ए प्लस एच, तो हमें चाहिए फाइव ए इक्वल टू फाइव ए प्लस एच, तो फ्रेंड्स फाइव ए पे अगर वैल्यू पुट करें तो फाइव ए की अगर इसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एफ ए प्लस एच से ए पुट किया तो यहाँ पे यहाँ से ए कट जाएगा और बचा ओनली एच एफ डैश एक्स, इसी तरह इसमें से भी ए सी ए कट जाएगा और एच स्क्वायर बन जाएगा प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस डॉट डॉट चलते हुए लास्ट टर्म में भी यहाँ पे भी एक होगा हमारे पास वो ये बन जाएगा एच टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल और ये हो गया एफ एन माइनस वन एट एक्स बराबर ए पुट कर रहे हैं एक्स बराबर ए, तो ये हो गया एफ एन माइनस वन ए। और फिर लास्ट में अगर यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करें
सॉरी एच की जगह एक्स की जगह ए पुट करें तो एक्स ए पुट करें तो यहाँ पे जाएगा एक्स टू दी पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल और ए। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ए की एक वैल्यू निकाल सकते हैं हम आराम से। अभी तो फ्रेंड्स अभी फाइव ए प्लस एच भी पुट करना है, तो फाइव ए प्लस एच अगर पुट करें हम यहाँ पे तो यहाँ पे तो हो जाएगा ये इक्वल टू एफ ए प्लस एच। बाकी जगह जब हम एक्स की जगह ए प्लस एच पुट करेंगे तो ये टर्म एक्स एक्स की जगह माइनस ए प्लस एच, यानी ये टर्म से ये टर्म कट जाएगी, इसी तरह इसमें से कट जाएगी, बाकी सारी टर्म जो है वो जीरो हो जाएंगी। जब ये सारी टर्म जीरो होगी तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई एफ ए बराबर एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट चलते हुए यहाँ तक एच टू दी पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल ए इक्वल टू एफ ए प्लस एच। अब ये हमारे पास एक कंडीशन आ चुकी है। तो अगर ए बराबर हम यहाँ से अगर ए की वैल्यू हम निकालना चाहें, वैसे हमें निकालने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ए हमारे पास एक कॉन्स्टेंट मिल जाएगा, यानी ए को हम यहाँ से बाकी सारे टर्म को इधर से ले जाके और एन का इस टर्म का डिवाइड करके हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे पास एच एन की एक कोई फिक्स वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास यहाँ से एन की वैल्यू आ चुकी है। हाँ फिर सब एन की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो उस कंडीशन में यहां से ये हो गया हमारे पास कि अब ये की जगह ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो फाइव ए बराबर फाइव ए प्लस एच कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि इसी कंडीशन की हेल्प से हमने ए की वैल्यू निकाली है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अब जो रोले थ्योरम की जो कंडीशन थी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, यानी कि फंक्शन को हमने कॉन्टिन्यूअस शो कर दिया, डिफरेंशियबल शो कर दिया एंड फाइव को और फाइव ए प्लस फाइव ए बराबर फाइव ए प्लस बी शो कर दिया। अब अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रोले थ्योरम क्या कहती है, हमारे पास ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए ए प्लस एच में से मिलेगा इस तरह से कि फाइव डैश सी इक्वल टू जीरो। अब वो पॉइंट निकालना, तो वो पॉइंट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फाइव डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस यहां से डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो यहां से अगर देखें ये हो जाएगा हमारे पास ये तो एफ डैश एक्स, जब हम इसको छोड़ के करेंगे इसको इसको इसका डिफरेंशिएट करेंगे इसको छोड़ के, तो हमारे पास माइनस एफ डैश एक्स आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद जब इस टर्म का करेंगे इस टर्म का तो ये हो जाएगा ए प्लस एक्स माइनस एच अपॉन सॉरी एफ डबल डैश एक्स, ये हो गया। अब फिर इस टर्म का करेंगे तो इस टर्म का करेंगे तो हमारे पास यहां से अगर देखें तो ये हो जाएगा, पहले इस टर्म का कर रहे हैं हम तो एफ डबल डैश एक्स और ये हो गया हमारे पास ए प्लस एक्स प्लस एच सॉरी ए प्लस एच माइनस एक्स, क्योंकि टू फैक्टोरियल टू नीचे आएगा और टू से टू कट जाएगा और साथ में ही हमारे पास जब ए प्लस एच माइनस एक्स करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास, जब इसका करेंगे इसका डिफरेंशिएट करना है तो ए प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एफ डॉट एफ ट्रिपल डैश एक्स। अब फिर से अगर हम ध्यान से देखें तो एफ डैश एक्स से एफ डैश एक्स कट गया, ए प्लस एक्स एच से ये कट गया, अब ये टर्म नेक्स्ट वाली टर्म से कट जाएगी, इसकी सारी टर्म्स कटती हुई जाएंगी, तो लास्ट टर्म जो बचेगी इसकी वो बचेगी हमारे पास तो फिर लास्ट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा हमारे पास यहां से देखें सारी टर्म यहां पे n माइनस वन तक की सारी टर्म कट जाएंगी, उसके बाद जो बचेगा हमारे पास ये n n तो आगे आएगा तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा a a प्लस x माइनस एच टू दी पावर n माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, और अगर हम देखें तो स्क्वायर के केस तक लेके चल रहे थे, जब हम स्क्वायर तक केस का लेके चल रहे थे तो ये कटे तो ये कटा था इससे ये कटा था और लेकिन ये लास्ट वाला बच रहा था, ये वाला हमें नेक्स्ट से बच रहा था नेक्स्ट से कट रहा था, तो हमारे पास एक टर्म और बचेगी यहाँ पे प्लस यहाँ ए रहेगा और जो नेक्स्ट टर्म इससे वाली टर्म जो बचेगी वो बचेगी हमारे पास ए प्लस एच माइनस एक्स सो ए प्लस एक्स
ए प्लस एच माइनस एक्स टू दी पावर एन, इसको हमने डिफरेंशिएट किया अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एंड प्लस एफ एन टाइम एक्स, ये बचेगा हमारे पास लास्ट में, जो लास्ट टर्म जो है वो ये बच जाएगी। तो फ्रेंड्स यहां से हमारे पास जब इसको हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो जीरो के इक्वल पुट करने में हमारे पास आ जाएगा, जब इस टर्म को जीरो के इक्वल पुट करना होता है, क्योंकि हमारे पास जो रोल थ्योरम थी वो यही कह रही थी कि ये एफ डैश सी एक पॉइंट के लिए जीरो हो जाएगा। तो इसको हम जब जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो हमारे पास यहां से आ जाएगा एक जो सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन जो आएगा, इसका फाइनल सॉल्यूशन अगर यहां से देखें तो यहां से कॉमन ले सकते हैं इस टर्म को, और यहां पे जो बची थी वो बची थी n माइनस वन फैक्टोरियल, इस टर्म को कॉमन ले सकते हैं पूरी टर्म, ये टर्म और ये टर्म दोनों कॉमन रहेंगे, तो ये हमारे पास बचा ए। और फिर से यहां पे माइनस साइन को आएगा, माइनस साइन आएगा क्योंकि जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये प्लस एच माइनस एक्स है, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे लास्ट वाले टर्म का इस वाले टर्म का तो यह माइनस का साइन आएगा, तो ये बचेगा हमारे पास ए माइनस, ये बचेगा हमारे पास एफ एन एक्स माइनस ए, और बाकी की जो टर्म है वो कॉमन में चले जाएगा, तो ये ए प्लस एच माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो ए बराबर आ गया हमारे पास एम एन एक्स, तो यहां से हमारे पास ए की वैल्यू आ चुकी है एफ एन एक्स। अब ये ए की वैल्यू हम इस क्वेश्चन में पुट कर दें, तो इस क्वेश्चन में पुट करने पे हमारे पास इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थी यहाँ पे क्वेश्चन थी हमारे पास स्टार्टिंग में, जब इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो टर्म आ जाएगी ये आ जाएगी हमारे पास, यहाँ ए की वैल्यू पुट करनी है सिंपली एफ एन एक्स, एफ एन या ए पे हम चेक कर रहे हैं, तो एफ एन ए ये हो गया हमारे पास, तो एफ एन और जो ये टर्म है एक्स, सॉरी एक्स की जगह ए प्लस थीटा एच आएगा, ये हो जाएगा एफ एन ए प्लस थीटा एच। तो यहां से आ गया हमारे पास ए एफ ए प्लस एच बराबर, जो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछी गई थी एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच उसे अपन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट चलते हुए, ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है जो हमसे पूछा गया था। अब फिर से कुछ स्पेशल केस है, स्पेशल केस जब एच बराबर बी माइनस ए हो, एच बराबर बी माइनस ए हो तो उस कंडीशन में हमारे पास एफ ए जो है एफ ए क्या चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ बी, क्योंकि एच की जगह जब बी माइनस ए पुट करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, तो यहां से हो जाएगा एफ बी इक्वल टू, और ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास एफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए अपॉन टू स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट चलते हुए, ये टर्म आएगी जहां पे बी माइनस एच बी माइनस ए टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल एंड एफ एन माइनस वन ए एंड प्लस बी माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एंड एफ एन एट ए प्लस एच, ये आ जाएगा हमारे पास या कहें सी किसी पॉइंट के लिए, ये हो गया हमारे पास जब ये पॉइंट आ जाएगा। अब फिर इसमें अगर हम n बराबर सिंपली 1 के लिए देखें, n बराबर 1 के लिए देखें तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है, ये कंडीशन, और अगर ये कंडीशन को हम ध्यान से देखें तो ये कंडीशन क्या है हमारे पास एफ बी माइनस एफ ए बराबर बी माइनस ए एफ डैश ए, यानी ये जो कंडीशन है ये है हमारे पास लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इस तरह से लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम का यहां से निकाल सकते हैं एन बराबर वन के लिए, तो ये एन बराबर कोई नंबर एन एन टाइम हो उसके लिए हमने इसको। और फिर से अगर हम इसका एक स्पेशल केस लें, जब एच बराबर एच की जगह एक्स माइनस ए पुट करें, एच की जगह एक्स माइनस ए पुट करें तो यहां पे बी की जगह सिंपली एक्स हो जाएगा, जहां पे भी ये एक्स 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 एक्स, और ये इस तरह से सारे सब जगह एक्सपोर्ट हो जाएगा जहां पर भी है। तो ये हमारे पास उस कंडीशन में स्पेशल केस आ जाता है जब कहीं पर भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा होता है और हमारे पास एफ डैश की वैल्यू दी हुई होती है,
तो उस कंडीशन में हम एफ एक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर इस तरह क्वेश्चन लिए जो लास्ट क्वेश्चन है एक्स बराबर एच बराबर एक्स माइनस ए पुट करके जो इक्वेशन बनी है, ये क्वेश्चन पे बहुत बार क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आप देख सकते हो। सिंपली इस तरह से उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है, वैल्यू पुट की करनी होती है और सॉल्यूशन हमारे पास आ जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।